गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। न्यू साइन म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से मैं श्रीकांत यादव आपको गणित भाग दो पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का 8.2 प्रश्न संग्रह 8.2 करेंगे। मैंने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को ग्रुप में मैसेज दे दिया था कि नोटबुक और पेन साथ में लेके रखना, तो आप लोगों को भी जो भी इस लिंक में ज्वाइंट हुए हैं वे सभी लोग नोटबुक और पेन अपने साथ लेके रहेंगे। गणित विषय ऐसा है, मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ, गणित विषय ऐसा है जब तक पेन और बुक नहीं रहेगी नोटबुक साथ में हल करने के लिए तब तक आप गणित समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होती है, तो आप लोग प्लीज नोटबुक और पेन अपने साथ में लीजिए और किताब भी निकाल के रखिए। 8.2 स्क्रीन पे भी दिख रहा है वो प्रश्न, फिर भी किताब साथ में रहेगा तो आपको ज्यादा सपोर्ट लगता है कि अपना किताब अपने साथ और समझ ज्यादा लगेगी आपको। हाँ, एक मिनट का समय दे रहा हूँ आपको क्योंकि आज बहुत लंबा चैप्टर वास्ट है, एकदम वास्ट बोलते हैं, बहुत लंबा है पाठ। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन होने में बहुत समय जाएगा, समय मिल नहीं पाएगा। प्लीज डू फास्ट, जल्दी कीजिए, आप लोग नोटबुक पेन और मैथ्स 2 की किताब लीजिए। 8.2 रेडी। पहला वाला प्रश्न दिख रहा है, जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये चार्ट, चार्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक है, जिस फिल इन द ब्लैंक में, इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करना, लेकिन सवाल सम करेंगे तब जाके फिल होएगा। मैं इधर चालू है मेरा क्लास, जो फिल इन द ब्लैंक है उसको भरना है, लेकिन इसके लिए सम्स को हल करना पड़ेगा। इसके पहले पाठ का परिचय दिया गया था आपको, प्रश्न संग्रह 8 का, और उसके बाद 8.1 किसी और सर ने पढ़ाया होगा, कुछ जानकारी आपको होगी। अब उसी के आधार पे हम लोग ये 8.2 के सम्स हल करेंगे। इसको भरने के लिए हमें सवाल हल करना है, 9 क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन रोमन अक्षर में लिखा हुआ है, देखिए, जिसमें 3 खाचे हैं। पहला वाला साइन थीटा ब्लैंक है, रिक्त है। दूसरा कॉस थीटा 35/37 है। तीसरा टेन थीटा ब्लैंक है। ये दोनों को भरना है, तो उसको भरने के लिए सबसे पहले देखिए हम कैसे करते हैं। साइन थीटा वगैरह भरने के लिए पहला वाला देखते हैं सम को। कॉस थीटा बराबर 35/37 जो मान दिया गया है। अब हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये लिखने के बाद इसमें हमको मान रखना है, जिसका जो है साइन थीटा का कोई भी मान नहीं हमारे पास है तो हम रख दे रहे हैं ऐसे के ऐसे ही। प्लस 35/37 का वर्ग बराबर 1, साइन थीटा जैसे है वैसे ही रहेगा वो अपनी जगह पर, इसके बाद बराबर के उस पर 1 है, ये 35/37 चला जाएगा बराबर के उस पर, 35/37 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए कैसे हल किया गया है। 1 का वर्ग ऋण 35/37 का वर्ग बराबर 1/2 के हिसाब से वर्ग दोनों है तो 1 बार धन हो जाएगा 1 बार ऋण हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पे जो हमने सीखा है पहले, ठीक, सर्व समीका के है ना कुछ सूत्र उसके आधार पे ये। अब ये दोनों की लसा भी निकाली 37 लसा भी निकालने के बाद 37 का 1 में गुणा करेंगे 37 ऋण 35, और इसके बाद में 37 का गुणा 1 में करेंगे 37 धन 35/37 जो ब्रैकेट में है उसका लसा भी निकाला, लघुत्तम सामान्य विभाजक। अब इसके बाद 37 में से 35 गया, बचा 2, 2/37
और 37 और 35 जोड़ा 72/37। तो अभी इसको छोटा करेंगे, इनका गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेगा, गुणनखंड किया तोड़ तोड़ के, देखो 2 × 2 × 36, चारों तीनों का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा जो ब्रैकेट में है। 37 × 37, 2 × 6 / 37 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 × 6 / 37। अब इसमें जो साइन स्क्वायर है, साइन के पर जो स्क्वायर है बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो करणी हो जाएगा, या बाई तरफ का साइन स्क्वायर और दाहिने तरफ का जो स्क्वायर है वो उसका भाग हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन थीटा बराबर 2 × 6/37। 2 × 6 में किया 12, 12/37। तो साइन थीटा का मान हो गया 12/37। अब टेन थीटा का मान, टेन थीटा का कैसा हो जाता है हमको, आपको मालूम है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा में 12/37, 35/37, 37/37 कट जाएंगे। कैसे देखो, 12/37 बटे में भाग है तो उलट जाएगा तो गुणे हो जाएगा 37/35, तो 12/35। टेन थीटा का मान कितना आया, 12/35। आप लोग लिख नहीं पाए होंगे, अगला सम सम फिर से एक बार देता हूँ आपको लिखने के लिए। देखिए फिर से, आप लोग लिखिए, जंबो वाला कॉलेज का भेजना, अभी पनीर आएगा तो जाएगा घूम कर, तो बैठ गया उधर से। लिख के निकालना है आप लोगों को सभी को, बड़े ध्यान से समझना भी है, इसी के आधार पर बाकी सभी के सभी प्रश्न इसी तरह हल करने हैं। पर आपकी प्रैक्टिस चाहिए, जिस रफ्तार में मैंने लिखा है सॉल्व किया है उसी रफ्तार में आप लोग से भी होना चाहिए, परंतु नहीं होगा। चलिए सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला साइन थीटा का मान 11/61 है, तो हमें कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। सेम इसी के आधार पे हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सेकंड लिखा है स्क्रीन पर, अभी देखेंगे इसको।
ये सेकंड वाला साइन थीटा बराबर 11 बटे 61, वही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे 11 बटे 61 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा बराबर 1 ऋण 11 बटे 61 का वर्ग बराबर 1 ऋण 11 का वर्ग 121 बटे 3721। अब इसको हल करेंगे लसावी के हिसाब से, लसावी से हल करेंगे 3721 का 1 में गुणा करेंगे 3721 ऋण 121 बटे 3721, 3721 में से 121 घटेगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा 11 बटे 61 बटे 60 बटे 61 जो हमने सम किया था, और इसमें 61 61 कट जाएगा तिरेक गुणा में, बचा कितना 11 बटे 60। तो tan थीटा का मान आया 11 बटे 60। उसी तरह से जिस तरह से पहला वाला प्रश्न हल किया था, ये दूसरा वाला ठीक, आपको फिर से मौका दिया जाएगा लिखने के लिए। अब आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर, प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे जिसमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, टेन थीटा का मान 1, टेन थीटा का मान 1 है, आगे हल करेंगे। चलिए वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 5 स्क्रीन पे। प्रश्न क्रमांक 3, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। आपको भी फास्ट फास्ट लिखना है। अब tan थीटा का मान 1 बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, प्रश्न क्रमांक 1 से ठीक। tan थीटा का मान 1 होता है, उसको हम क्या कहेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin थीटा बटे cos थीटा है तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा, sin थीटा बराबर cos थीटा, समीकरण नंबर 2। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहले के प्रश्नों में किया था इसी तरह से, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी sin थीटा नहीं लिखना था, cos स्क्वायर थीटा लिखना है, sin स्क्वायर थीटा, sin sin दो sin हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रश्न तो से ठीक, अभी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दो चला जाएगा बराबर के ऊपर तो हो जाएगा बटे में, साइन स्क्वायर के ऊपर का जो वर्ग था वो बराबर के उधर जाने पर करणी में रूपांतरित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटे करणी 2 ठीक है दो। अब आगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1 बटे करणी में, साइन थीटा इसके समकक्ष है कॉस थीटा के, बराबर का मान आएगा 1 करणी में 2। फिर से वीडियो प्ले करेंगे। देखिए थर्ड वाला फिर से, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। आगे tan थीटा का वैल्यू 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 से, sin थीटा बराबर cos थीटा इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
समीकरण नंबर दो से साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक बटे दो साइन के आगे का दो हो जाएगा बराबर के उस पर दारा पटेल को दे उधर देखिए वीडियो को आपको लिखना है देखना नहीं है समझना नहीं समझना भी है और लिखना भी है साथ में tan theta बराबर sin theta बटे cos theta tan theta का मान एक sin theta बटे cos theta एक से अब sin theta बराबर cos theta अब sin theta बराबर cos theta दो से तो sin sin का गुणा हो जाएगा sin square theta प्लस cos cos का गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एक और दो का गुणा करने पर ठीक है मान एक आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो कितने हो गए दो sin स्क्वायर थीटा हो गए दो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा बराबर एक बटे दो स्क्वायर उधर जाएगा तो करणी हो जाएगी एक बटे करणी में दो तथा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बटे करणी में दो दो से साइन थीटा बराबर कॉस थीटा एक बटे करणी में दो हो गया ये हो गया आंसर चलेंगे अगले पे स्क्रीन पे देखेंगे अपना चौथा वाला क्वेश्चन साइन थीटा का मान एक बटे दो है तो हमें कॉस थीटा और टेन थीटा का ज्ञात करना है तो कैसे सॉल्व किया गया है चलिए आगे करेंगे वीडियो नंबर चार cos थीटा बराबर एक बटे करणी में तीन
ये वाला वीडियो नहीं है, ये वाला वीडियो देखना है, वीडियो क्रमांक 4 जो प्ले हुआ है। हेलो, एक मिनट है, वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है, अभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का साइन थीटा 1/2 कॉस थीटा और टेन थीटा याद करना है। वीडियो नंबर सम्स नंबर 4 चलिए, ये वाला साइन थीटा का मान दिया गया है, सॉल्व किया जाएगा। आ जाइए फोर्थ नंबर पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पता ही आपको 1/2 मान दिया गया है साइन थीटा का, 1/2 का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का वर्ग, ठीक बराबर के उस पर चला जाएगा 1 - 1/4। अब इनका लॉस अभी निकालेंगे, 4 - 1/4 यानी 3/4, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 3/4, ठीक। अब इसको स्प्लिट करके छोटा छोटा किया, बराबर के उस पार चला जाएगा कौन, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू करली में 3/2 करली कर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1/2 आगे करने में 3/2 बराबर 1/2 गुणे 2/2 करड़ी में 3, 2 से 2 त्रिया गुणा में कट गया 1/2 करड़ी में 3, टेन थीटा बराबर 1/2 करड़ी में 3, समझे फोर्थ वाला। अभी फिफ्थ वाला चलेंगे आगे, उसे कल दो ना पैसा, अभी बिजी है कल दे। रिक्त स्थान पांचवा भरना है, cos थीटा बटे 1/3 करणी में 3। अब इसको हल करना है
जिसमें साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक बटे करणी में तीन का वर्ग बराबर ए। साइन थीटा अपनी जगह पे रहेगा, एक अपनी जगह पे रहेगा, एक बटे करणी में तीन का वर्ग चला जाएगा बराबर दो। साइन स्क्वायर थीटा का मान अब हल करेंगे बराबर, एक बटे करणी में तीन है तो वर्ग है जो करणी से कट जाएगा, बचा एक बटे तीन। एक ऋण एक बटे तीन का हम निकालेंगे लसा, लसा भी निकालने पर मान आया दो बटे तीन। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब जो स्क्वायर था बराबर की उस पर चला जाएगा तो ब्रैकेट में रहेगा करणी दो बटे तीन, तो उसको करणी लग जाएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू करणी में दो बटे करणी में तीन, ठीक। टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब करणी में दो बटे करणी में तीन। इस तरह से हमने किसका मान रखा, साइन थीटा का, ठीक, भागे एक बटे करणी में तीन। कॉस थीटा का मान तो दिया ही है रिक्त स्थान में, एक बटे करणी में तीन। हल करने पे करणी में तीन से करणी में तीन कट गया, बचा क्या, करणी में दो बटे एक तो रहेगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू करणी में दो, टेन का मान मिल गया करणी में दो। साइन थीटा का मान मिल गया था करणी में तीन बटे करणी में दो बटे करणी में तीन। नेक्स्ट वीडियो अब आएंगे छह नंबर पर, tan थीटा बराबर 21 बटे 20, sin थीटा का बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, पता ही है, इसी के आधार पे पहला दूसरा तीसरा प्रश्न हल किए थे हम लोगों ने। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा का मान 21 बटे 20 दिया है, ओके। साइन थीटा बराबर 21 बटे 20 गुणे ले कॉस थीटा, आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला इसके आधार पर हमको चलना है, ठीक। अब साइन थीटा का जो मान है, साइन थीटा का मान 21 बटे 20 cos थीटा, उसको रख देंगे 21 बटे 20 cos थीटा का वर्ग प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हल करेंगे, 21 का वर्ग निकाला 441, 20 का निकाला 400, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा कितना, 2 cos स्क्वायर, 441 cos स्क्वायर थीटा प्लस 400 का गुणा cos स्क्वायर थीटा में करेंगे तो 400 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 441 और 400, 841 cos स्क्वायर थीटा बटे 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 * 4 841 बटे में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 400 का वर्ग 20, 841 का वर्ग 20, cos वर्गमूल निकाल दिया उसका। वर्गमूल निकालने के बाद कॉस स्क्वायर का जो वर्ग से वर्ग कट गया तो कॉस थीटा का मान आया 20 बटे 29। तो टेन थीटा बराबर अब साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान, टेन थीटा बराबर 21 बटे 20, कॉस थीटा बराबर 20 बटे 29, साइन थीटा बराबर टेन थीटा गुणे कॉस थीटा, 21 बटे 20 गुणे 20 बटे 29, 20 से 20 कट गया 21 बटे 29। साइन थीटा बराबर 21 बटे 29, नेक्स्ट वीडियो
साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 3/5 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का वर्ग 1 माइनस 9/25 वही अल्लाह साहब निकालेंगे इसका 25 का एक में गुणा करेंगे 25 9/25 25 में से 9 गया बचा 16/25 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25 अब जो कॉस स्क्वायर थीटा है जो स्क्वायर बराबर के उस पर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25 तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो छोटा कर दिया जब स्क्वायर वहां जाने के बाद करणी हो जाएगी तो कॉस का मान हो जाएगा 4/5 कॉस थीटा का मान हो जाएगा 4/5 कहाँ गया काय को हिलाया उसमें से इधर है वो बैठ जा उधर बैठ जा सबर कर बैठ जा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बराबर के उस पार आ जाएगा 3/5 का वर्ग इसको विस्तारित किया बराबर 1 ऋण 9/25 इसका लसा भी निकाला 25 में से 9 गया 16/25 cos स्क्वायर थीटा का मान आ गया 16/25 16/25 का वर्गमूल निकाला तो 4/5 4/5 का वर्ग cos का वर्ग जो है वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो बचेगा cos बराबर 4/5 थीटा बराबर 3/5 cos थीटा बराबर 4/5 फिर tan थीटा निकालना है तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा इतने सवाल हल करने से अभी हमको और आपको याद हो गया होगा कैसे करना है ठीक tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा 3/5 बटे पूरे या भागे बटे में होगा तो भागे का चिन्ह लगा दिया देखो 4/5 अभी उल्टा सुलटा हो जाएगा 3/5 × 5/4 5 नीचे तो ऊपर 4 नीचे 5 से 5 कट गया बच गया 3/4 अब हमारा tan थीटा का मान आया 3/4 बहुत लेंथी सम्स है सब ज्यादा समय गया अगला लास्ट वाला होगा मुझे लगता है लास्ट सम tan थीटा इज इक्वल टू 2 करणी में 2 sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा बताइए आप लोगों को हम लोगों को tan थीटा का मान दिया गया है sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 करणी में 2 आगे देखिए sin थीटा बराबर 1/2 करणी में 2 cos थीटा sin थीटा बराबर 1 बटे
दो करने में दो ये पूरा हो जाएगा tan theta बराबर cos theta एक का गुणा cos theta में हो गया। अब वही हमारा फार्मूला sin square theta plus cos square theta is equal to 1 sin theta का मान है cos theta बटे दो करने में दो वो रखेंगे हम प्लस cos square theta is equal to 1 कुछ हमको लसा भी निकाल के हल करेंगे cos square theta इसका हो जाएगा 4 और करंट चली जाएगी तो प्लस cos square theta is equal to 1 cos square theta plus 8 cos square theta is equal to 1 cos square theta बटे 8 प्लस जुड़ जाएगा 9 cos square theta बटे 8 cos square theta is equal to 1 बटे 8 बटे 9 एक का गुणा 8 में हो जाएगा cos square theta is equal to 8 बटे 9 8 बटे 9 हो जाएगा और वर्ग का cos का वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा उसको हम ब्रैकेट में ही स्प्लिट करेंगे 2 × 2 × 2 या 4 × 2 बटे cos theta बराबर 2 करने में 2 बटे 3 tan theta बराबर sin theta बटे cos theta tan theta बराबर tan theta into cos theta 1 बटे 2 करने में 2 गुणे 2 करनी करनी हटाने के लिए तीरिया गुणा करके हटा दिया 1 बटे sin थीटा का मान आया 1 बटे 3 इस तरह से लोसंस में उसकी तालिका पूर्ण कर दी गई है। आपको देखना है सबका मान भर के रख दिया गया है इसमें ठीक। अब किसी को कोई डाउट होगा तो पूछेगा कौन से सम में फॉर्मूला सबका वही है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 उसी में मान रखना है और हल करते जाना है ठीक। उस वाले सब में डाउट है तो आप पूछिएगा सर। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा आप लोग स्पीकर से ऑन करके देंगे अभी आप लोगों को। हेलो सर। क्योंकि आज का विषय बहुत लेंदी था बहुत वास्ट था बहुत समय लिया 9-9 सम थे दिखने में बहुत छोटा भी। पूछिए सर मुझे का एक भी नहीं समझ में आया। इसलिए नहीं समझ में आया बेटा ये जब मैं पाठ का परिचय दिया था उस वक्त साइन कॉस और टेन थीटा का मान बताया था उसके बाद 8.1 करे थे आप लोग 8.1 हुआ आप लोगों का यस सर।
तो 8.1 के ही आधार पे 8.2 के सम्स दिए गए हैं। 8.1 अगर किया है तो 8.2 आसानी से आप लोग कर पाओगे। अब ये इसको समझने के लिए फिर से आपको ये वीडियो देखना पड़े। 8.1 पूरा क्यों, वो मुझे समझ में भी आया लेकिन 8.2 नहीं समझ में आया। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, जा रही है मुझे। हेलो सर, आपका वीडियो बहुत फास्ट है, इससे समझा नहीं है मुझे कुछ। हेलो सर, हेलो हेलो सर, मुझे चौथा सवाल समझाइए ना एक बार फिर से। ओके तो आज आप लोगों को दिक्कत हो गई समझने में, सम्स देखने में थोड़ा फास्ट फास्ट गया और मेरी आवाज आप तक जा नहीं रही थी। वीडियो प्ले हो रहा था क्योंकि मैं दूसरे ऐप से डाउनलोड करके स्क्रीन पे दिखा रहा था। नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर मेरा बनेगा यही शेड्यूल वाला, तो मैं अच्छे से आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा मेरी आवाज के साथ में। ठीक, ओके, आपका दिन शुभ हो।